इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं आपके, चाहे फिर वनडे एग्जाम में हो, फिर चाहे आपका यूपीपीसीएस या यूपीएससी, इस तरह के जो भी एग्जाम होते हैं उसके प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग जासूस नूर इनायत खान के बारे में जान लेते हैं, बाद में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भी बताया जाएगा, और यूपीएससी और प्रीलिम्स इस तरह के स्टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है। जासूस नूर इनायत खान, अभी हाल ही में आप देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान को लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में मेमोरियल ब्लू प्लाक अर्थात नीली पट्टी स्मारक से सम्मानित किया जाएगा। किससे? नीली पट्टी स्मारक से। इसे आप लोग मेमोरियल ब्लू प्लाक भी करते हैं। तो याद रखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ आपका, आप सभी लोग जानते होंगे कि 1939 से 1945 तक चलता है, और पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नीली पट्टी स्मारक क्या होता है और कौन देता है। तो याद रखिए जो एक है, एक आपकी इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी है, इसकी तरफ से दिया जाता है, ब्लू फ्लैग स्कीम चलाई जाती है, जिसके तहत आप देखेंगे कि कुछ स्मरणीय लोगों को जिनका कुछ योगदान रहा है उन्हीं लोगों को ये सम्मान दिया जाता है, और जिनका घर लंदन में कुछ खास इमारतों में होता है। ठीक है, तो यह ब्लू प्लाक इसी साल उनके लंदन वाले घर में लगाई जाएगी, अर्थात इसके तहत उनके सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक नीली पट्टी का लगाई जाएगी। उनके कामों का विवरण भी इसमें दिया जाएगा, यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या काम किए। वे भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला होंगी जिन्हें यह सम्मान दिया जा चुका है, इसलिए सबसे बात महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चंस बनने की संभावना हो जाती है। वे भारतीय मूल की पहली महिला है जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। तो अब जान लेते हैं नूर इनायत खान के बारे में कुछ पॉइंट। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के वंशज और भारतीय सूफी संत हजरत इनायत खान की बेटी नूर इनायत खान द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की एजेंट थी, और भारतीय पिता और अमेरिकी माँ के रूप से रूस की राजधानी मॉस्को में 1914 में नूर इनायत खान का जन्म हुआ था। इनके पिता भारतीय थे और माता अमेरिकी थी। ठीक है, वह 18वीं शताब्दी में मैसूर के राजा रहे टीपू सुल्तान की वंशज थी, क्योंकि नूर के पिता हजरत इनायत खान मैसूर के राजा टीपू सुल्तान के परपोते थे। उनकी माँ औरा मीना रे बेकर अमीना बेगम एक अमेरिकी महिला थी। दुनिया की बेहद लोकप्रिय जासूस बनी नूर इनायत खान को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में योगदान के लिए याद किया जाता है। 1940 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक स्वतंत्र ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के तौर पर स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की स्थापना की थी। नूर इनायत खान स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी। इसको भी याद रखिए कि पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी नूर इनायत खान। 1944 में 30 वर्ष की आयु में नाजिया ने उन्हें जासूसी के आरोप में बंदी बना लिया था। किसने? नाजियों ने, और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। ब्रिटेन में नूर इनायत खान को 1949 में मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया था। अब जान लेते हैं ब्लू प्लाक। ब्लू प्लाक क्या है? ब्लू प्लाक योजना ब्रिटिश हेरिटेज धर्मार्थ संगठन चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। ब्लू प्लाक योजना के तहत उन विख्यात लोगों को सम्मानित किया जाता है जो लंदन में या तो किसी खास इमारत में रहे हों या उसमें काम किया हो उन्होंने। भारतीय मूल की महिला जासूस नूर इनायत खान के ब्लूम्स बरी लंदन के फोर्ट टिविटन स्ट्रीट स्थित पूर्व आवास को ब्लू प्लाक दिया जाएगा, जहां वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जासूस के तौर पर रही थी। यह वही घर है कि जिसको नूर ने अपने अंतिम मिशन पर जाने से पहले छोड़ा था। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चंस क्या बन सकता है? ये तो पूरी कहानी हो गई है नूर साहब से जुड़ी हुई। ठीक है, नूर इनायत साहब से, मैडम से जुड़ी हुई। ठीक है, साहब साहब अलग शब्द हो जाता है।
याद रखिए। तो एक बात और आपको बता दूं, इनका लंदन में नूर इनायत खान की प्रतिमा का भी नवंबर 2012 में अनावरण किया गया था, जो स्क्वायर गार्डन में उनके मकान के नजदीक स्थापित की गई थी। इसमें आप देखेंगे वह बचपन में जहां रहा करती थी, तो वहां इनकी फोटो भी लगाई गई। इनके बारे में अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस बनेगा कि क्वेश्चंस कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप देखेंगे 1914 में। कब हुआ? 1914 में मॉस्को में। ठीक है, एक को सबसे पहले याद रखिए। या फिर पूछा जा सकता है कि किस वंश से थी, इनका वंशज क्या था। दो तीन वंश दे देंगे, मुगल काल दे देंगे, इस तरह के और भी दे देंगे, और टीपू वंश दे देंगे, टीपू सुल्तान वंश, तो आपको बताना होगा। तो आप बता देंगे टीपू सुल्तान की वंशज थी। ठीक है, इनके पिता का भी नाम पूछा जा सकता है और इनकी माता का भी नाम पूछा जा सकता है। और आपसे ये पूछ लेगा कि अभी ही हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को आपका जो एक नीली पट्टी, यानी कि नीली पट्टी स्मारक एक तरह से एक सम्मान है, ठीक है, मेमोरियल ब्लू प्लाक किसे दिया गया है, तो आप बता देंगे कि नूर इनायत खान साहब को, नूर इनायत खान मैडम को। ठीक है, साहब बड़ा नाम आ रहा है। तो इस तरह के आपके बन सकते हैं। देखिए वनडे एग्जाम में क्या होता है कि एक लाइन दे दी जाती है, उसमें चार ऑप्शन, लेकिन आपका सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस में आपका क्वेश्चंस बनेगा। पहले एक क्वेश्चंस पूछ लेगा आपसे कि नूर इनायत खान के बारे में सही कथन चुनना है हमें। अब उनके बारे में चार कथन दीजिएगा। ये भारतीय मूल की महिला थी, एक किस वंश से संबंधित थी, टीपू सुल्तान वंश से संबंधित हैं, इन्हें ये सम्मान दिया गया है, इन्हें एक किया गया है, एक तरह से इनका इनका जन्म 1914 में हुआ है मॉस्को में। अब आपसे नीचे दे दिया गया कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो, इस तरह से क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे।